भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृत कलश हस्तये सर्वामये विनाशाय त्रैलोकनाथाय श्री से कहाँ कहाँ दिखाए आप इसको? ये पूरा हैदराबाद में, बेंगलोर में, ये सोलापुर में। मुझे कुछ बताया कि इंग्लिश वाला कुछ नहीं कर सकता है आप? तो पूरा इंग्लिश में ही और इंग्लिश में ही दिखाए इंग्लिश वाला से कुछ हमारे वगैरह लिखा ली हाँ पूरा। सुशांत तुम्हारा नाम है? मेरा नाम भी वही है। फिर कैसे करेंगे अभी? थोड़ा ब्रीफली बताइए कि 4 साल में पहले जो ऐसे अटैक आए ना, उस समय में कैसा हुआ, क्या हुआ, कुछ बुखार आ के? हम पहले जैसे हम मायके घर गए थे, मायके अपने थे, तो उसको उधर फीवर आया तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाया। तो इंजेक्शन लगाने के बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा इसका चलना फिरा। मैं इसको कराया तो बोला मम्मी पैर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। तो उसके धीरे धीरे वो 4 साल पहले ही स्कूल जाता था। हाँ स्कूल भी जाता था पहले। सब लड़का के कैसा है वैसा ही इसके व्यवहार पूरा? हाँ सब था, थोड़ा ये पढ़ने का छोड़ रहा था ना, तो बैलेंस थोड़ा इसका इसे डगमगाता था पढ़ने पहले से। हाँ पढ़ने ये बुखार आने से पहले से चाय ले लीजिए। बुखार से पहले जाता था स्कूल जाता था तो सोच नहीं चलता था, ऐसे चलता था थोड़ा 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 था। और ठीक रहने के बाद थोड़ा ज़्यादा लॉकडाउन आया ना, तो हमने उसको बाहर में बैठा दिया, बच्चों को बाहर नहीं निकालना। और बैठाने के बाद से इसको एकदम पूरा बंद चलना फिरना खड़ा खड़ा है तो गिर जाता था, तो 10 कदम चल जाता था, अब थोड़ा भी नहीं चलता। मोबाइल टीवी बहुत ज़्यादा देखता, पूरा दिन दिखता है बहुत ज़्यादा। समझ में आता है उसको? हाँ पूरा चैनल होना चेंज करता है टीवी का इसका। और हमको नहीं मालूम इसको बहुत मालूम। बुखार वाला रिपोर्ट नहीं है, उन्होंने ऐसा चुप के बैठते नहीं, मना कर देते हैं, जीत कर लेते हैं, जिद जिद चिल्लाते हाँ, रोते हाँ बहुत रोते, होना तो होना। कोई दीदी का नहीं, हमारे घर में दूर दूर तक कोई भी नहीं था। नहीं अरे मैनर कौन लो ना तप्पू अन रासेड ఇది దీంట్లో వాడు మామూలుగా వేరే రాశారంటే మనం చూడు కొంచెం కరెక్ట్గానే ఉంటారు చిల్డ్రన్స్ కూడా, వీళ్ళు కూడా పర్వాలేదు. చికెన్ మటన్ చికెన్ చికెన్ అండా అండా ఎక్కువ చికెన్ నై కానా మనం ఆప్ డేట్లో కైసే ఇస్కో సంబల్తే క్యా ఆప్ డేట్లో चिकन अंडा दोनों चीज़ें नहीं खाना। अगर हम दवा देना शुरू कर दिया तो बिल्कुल ही वो दोनों बंद है। कभी ना कभी किधर भी गए फंक्शन में खाओ एक दो टुकड़ा बस, इससे बढ़ के हार्मोन बैलेंस आउटलेट हो जाता है चिकन के कारण से। उसको इंजेक्शन देता है, पानी में भी दवाई मिला देता है और उसका खाने में भी दवाई मिला देता है। वो ये शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसी कारण से उसको मैं दूर कर देती हूँ। अगर मटन हड्डी के साथ तीनों खा सकता है छोटा छोटा टुकड़ा बना लेके, और मछली खा सकता है मछली समुंदर का नहीं काली तालाब का, अगर देसी अंडा आपको मिला वो खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देसी, देसी मुर्गी मिला दो चार टुकड़ा खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फार्म वाला तो नहीं चलेगा, इसको कभी थोड़ा गर्म चीज़ खिलाना, फ्रिज में रखे आज, कल सुबह में उसको गर्म करके, नहीं तो ऐसा सीधा नहीं खिलाना इसको। पेप्सी ज़्यादा पीता, पेप्सी नहीं पीना बेटा, नहीं पीना पापा, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक बना है। ऐसा करे तो मैं दवा शुरू कर देता हूँ, अच्छा हो जाएगा। देखो इधर सुनो, उधर क्या देख रहे, तुम्हारा लिए मैं अच्छा दवा बनाते, एक 10-15 दिन लगता है वो शुरुआत कर दो। ये ज़्यादा इतना खड़ी बीमारी नहीं है, ये दुनिया में इसको नहीं सुधरेगा ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत करना पड़ता हम लोग।
आप लोग भी मेहनत करना साथ साथ, मैं तेल दे देते वो तेल को पूरा सुबह में 7:30 बजे को आप ड्यूटी जाते क्या? नहीं नहीं है ना, पूरा उसको नंगा करके पूरा लपट लेके वो तेल ये धूप में उसको ऐसे कुर्सी डाल के बैठा देना। वो थोड़ा गर्मी हो के उन्होंने बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, मेरे को अंदर ले चलो बोलते ना, तब तक 20-30-40 मिनट तक बिठाना पड़ेगा सुबह में 7:30-8:30 का बीच में, जो अल्ट्रा वायलेट रेसेस जो नए आते सूरज से उस समय में बिठाना। वो 8:30 के बाद में बिठाए तो काला हो जाएगा, ये पिगमेंटेशन हो जाएगा, फिर बाद में इसको ये रोशनी चमड़ा में ग्लो नहीं आएगा, इसीलिए खुला खुला बता दे रहा हूँ। मैं अभी मैं क्या करते, थोड़ा ही दवा देते हूँ उसके लिए, ज़्यादा नहीं है वो, थोड़ा दवा ऐसे आप शुरुआत कर लो। अभी मान के चलिए 28 तारीख, 10 तारीख के बाद में मेरे को फ़ोन करना, 10 से 15 के बीच में जो सही असली दवा दे देता हूँ, आलू और क्या है इसका रिलेटेड वो नहीं खिलाने इसको, और क्या है गोंगोरा वो बाजी गोंगोरा वो खिला दवा मेरे खिला दो दवा और इतना ही है दम, इतना ही है और नहीं है इससे करो और दूसरे वाला रख सकते हैं। आप तेल नहीं डालते सिर पर? कौन से वाला रायता? रायका आप ले लेते घर में वही पकाते? सनफ्लावर, सनफ्लावर भी आप छोड़ दो, ये तिल का तेल नहीं तो नारियल का तेल भी इसको अच्छा काम है पका में, लेकिन आदत नहीं होते हुए नहीं खाते हैं। ये देखिए तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है इसका, ये तो बोरा बाजू में रखना अपना अपने हिसाब से, आप पहले उसको तो रिलीज हो जाना, अपने आप को रिलीज हो जाना। रिलीज हो गया बोलो तो ज़्यादा 1 साल करना इलाज ऐसा नहीं है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, कैसे नींद में उन्होंने उनका काम कर रहे थे ना ऐसा हो जाते। जब उसी समय में 4 साल पहले इसको बुखार आए ना, वो बुखार में दिया है वो दवा, ये वो सही सलामत से नहीं हुआ, टिश्यूज डैमेज हो गया। अभी टिश्यूज को बढ़ा लेना बोलो तो इन्हीं के लिए ही तैयार कर लेना, जो भी दया दवा तैयार करना वो इसी के ही सूट होता, दूसरे वाला को सूट नहीं होता। हाँ अंडी का भी पिला सकते हैं, आप पकड़ के पी लो ये, इसकी बाद में कोई बच्चा बच्ची है क्या? है। कितने उम्र का है? एक 5 साल का, एक साल का। 1 साल का 5 साल, वो दोनों? हाँ दोनों सही है। कौन सी तेल यूज कर ले रहे सर? में कौन सा तेल? सब इसको एक ही कटका में है डिफरेंस, ये पूरा बोर्ड में वेडिंग में नहीं है, वो एक कटका सही अगर हो गया है सुनो भाई बस। ये कहीं भी इसको फिराए तो भी कुछ फायदा नहीं है ऐसा नहीं, ठीक है सब समझ में आ जा रहा है उसको, हर चीज़ को जवाब दे रहे हैं। ओके क्यों नहीं होता, कोई भी कभी ऐसा कोई डॉक्टर के पास मुँह से ये बात नहीं आना कि किधर भी नहीं हो जाए, जिधर भी कोई इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है फालतू के सभी वो कर अपन तो करते रहना।
अपने हिसाब से अपन करते रहना। इसी के अंदर क्या है, ये शहद है, ये जंगल का शहद है, इसका 1.5 किलो है वजन। सुबह में 1 चम्मच ऐसे ही सीधा खिला लेना और दोपहर में ही 1 चम्मच ऐसे ही सीधा खिला लेना और शाम में भी सीधा खिला लेना। ये जंगल का है। ये दूसरों बड़े साहब मेरे को पूछा था, मेरे के लिए रख दो, किसी को नहीं देना है। सुबह में एक तेल है, एक बड़े औरत आया था, उसका दिक्कत देख के मैं उसको दे दिया। और ये इसके बाद में ये देसी गैया का ये है, लेकिन इसमें मिलावट वगैरह नहीं रहती, ये डायरेक्ट है। आप तो नाश्ता में, रोटी में, चावल में कैसे इसको करते वैसे थे। अभी जो भी है इसको नॉन वेज को थोड़ा दूर रखना ही ठीक है। मैं दवा तो शुरू नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं खाली ये इसका तो पहले फ्री खून को फ्री कर दे नर्वस को। ये दो आयल दिए थे ये सुबह में 7:30 बजे को। आपका कितना काम रहे तो भी और काम छोड़ देना, इसको ले लेके थोड़ा कट ड्रायर इसको डाल के बाद में ऊपर से ले लेके एक कुर्सी डाल के बिठा दो। हल्का मालिश करना ऊपर से, ऐसा नहीं करना भी ऊपर से, कोई भी ऐसा कर दो, कितना दबा के करने का ज़रूरत नहीं है। खाली ये तेल ये बॉडी के अंदर जिसम ये चमड़ा के अंदर एब्जॉर्ब हो जाना। कितना मिनट मालिश कर सकते हो? 10-15 मिनट थोड़ा। और सिर का भी ये आप जो तेल यूज़ कर ले रहे हैं ना, वो तेल नहीं यूज़ करने का है। कहीं 22 का मिले तो ले लीजिए, नहीं तो टेट्रा पैक एक ले लीजिए, विजेता सुपर स्टोर में आपको मिल जाएगा। वो सोया टेट्रा पैक बोलते हैं इसको, वो टेट्रा पैक ले आके इस्तेमाल कर लीजिए। पहले जब ढक्कन खोले बाहर रख सकते हैं, ढक्कन खोलने के बाद फ्रिज में ही रखना है। थोड़ा आप भी सहारा कर दिया तो इन्हीं के लिए अपन थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, आपका काम रहेगा घर पे, ऐसे कोई बात नहीं। मैं नहीं बोल के नहीं बोल रहा, लेकिन ध्यान इसमें ज़्यादा कर दिया तो थोड़ा दोनों हाथ, एक हाथ मेरा है एक हाथ आपका है, ऐसा हवा में कुछ फायदा नहीं है। समझ में आ गया ना मैं? 1 साल के बाद में एक दो महीने ఇది తడిది స్పూన్ పెట్టకూడదు అని చెప్పి ఇస్మే క్యాయే ఇస్మే 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 ఈ కచ్చవాల జో గిలాస్ చెంచాకు నే రక్న ఏ ఖరాబ్ హో జాయే నే రక్న ఏసే బాహర్ కర్ దేనా ఏ భీ కభీ ఖిలాస్ తో కితనా టైం హో ఏ ఏ ఇస్కో బాకీ కా ఆప్ కర్ లో ఘర్ మే నే వో నీ బోల జితనా బర్ ఖిలాయే ఖానా పతంజలి వాలా కో ఏ ఆధా కిలో హై ఏ హై 1100 రూపాయే मतलब पतंजलि में कितने में देते घी? 300-300 रुपये में एक लिया तो एक फ्री। ये खाली शहद है, ये 1.5 किलो का है, ये 1200 रुपये का है। इसको पकड़िए एक बार, कितना वजन आ रहा है एक बोतल में? कितना वजन लाते पॉइंट सर लाओ कुछ? ये जंगल से लाया सो है सेवा, ऐसे ही केसेस पे देते हैं। ये 2 पैकेट दे रहा हूँ इसीलिए ये सुबह शाम में दो मालिश एक ही टाइम करना है, सुबह का करना है ना बस जी? मालिश एक ही टाइम करना है? हाँ सुबह में बस। ये करने के बाद पानी मत नहीं है, पहले पानी नाले के बाद अच्छा से पोंछ के बिठाइए। रोज नहीं नहाता है, चलता है आपका मर्जी, नहलाना जरूरी है? नहीं, शाम में नहाना जरूरी है। उसमें थोड़ा नमक भी डालना, थोड़ा हल्दी डालना, थोड़ा से इसको मिला देना, मिला के इसको पानी ना। ये 4 बूंद 1 कप दूध में, वो पैकेट वाला नहीं है, भैंस का मिले गैया का मिले आप तलाशी कर लो किसी से पूछ लीजिए। सुबह में 4 बूंद ओनली 4 ड्रॉप्स उसमें मिला के, हाँ ड्रॉप उससे मिला लो। ये डालो नहीं तो शहद डालो उसमें, पिला लीजिए दो बार
नहीं ये नहीं दवा, ये शहद है ना आपके पास, ये दवाई इसमें शहद है, ये दूध में चार बूंद ये है, एक चम्मच शहद है, एक कप दूध है। आप लिख लीजिए, आप लिख लो, मैं स्केच पेन दे देते भी समझा कर दे। मेरे को पैसा देते मैं थोड़ा बहुत इसके साथ पीछे पड़ लेना 6 महीने 1 साल, लेकिन इसका भविष्य अच्छा हो जाएगा ना। कहीं नहीं होता बोलते दुनिया में, वो शब्द के अर्थ ही नहीं है। हो जाएगा, उसका पीछे पड़ के दौड़ना पड़ेगा। थोड़ा दूर करने के लिए व्यवस्था कर दीजिए, हम आप कुछ अच्छा बुरा समझा के उसको ये देखे तो आपको इतना जल्दी नहीं सुधरेगा। बाकी बाल बच्चा वाला कैसा है, अच्छा तुम खेलने के लिए स्कूल जाने के लिए मन में है ना, ऐसा आप लोग क्या करना है इसको, तो काउंसलिंग देना। मोबाइल देखे रात में जल्दी नहीं सोए, मैं तो तुमको दवा नहीं दूंगा। तुमको दवा चाहिए या मोबाइल चाहिए? अच्छा सुधर जाएगा कि नहीं बोलो, अभी अच्छा हो जाने का है तुम्हारा मन में, नहीं तो मोबाइल देखने का है। ये हॉर्लिक्स भी था, दूध में तो तब नहीं बोलो। हॉर्लिक्स पिला सकते थे तुम्हें? हॉर्लिक्स जरूरत ही नहीं है, हॉर्लिक्स में क्या कुछ फायदा नहीं है, आपका मन है टेस्ट है। नहीं इन्होंने ला लिया है ना, तो मांगेगा दूध दे दो, एक जगह वो दे दो। हाँ दोपहर में देते हैं ये दोनों मिला करके।